नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। 2019 लोकसभा चुनाव जिसका कुछ दिन पहले तक इंतजार हो रहा था वो खत्म होकर अब परिणाम भी घोषित किए जा चुके हैं और नरेंद्र मोदी को फिर एक बार महाजीत हासिल हुई है। जिसके कारण तो बहुत से रहे, लेकिन एक जो अहम कारण रहा वो था बीजेपी के मैनिफेस्टो में धारा 370 और 35A को खत्म करने का वादा, जिसका बीजेपी को फायदा भी मिला। हालांकि जम्मू कश्मीर के नेताओं को इससे परेशानी हुई और उन्होंने इसके बाद उल जुलूल बयान भी दिए। संभव है कि जम्मू कश्मीर की जनता भी इन धाराओं से मुक्ति चाहती हो और इसीलिए वहां के मौजूदा नेताओं के बयानों से नाराज होकर उन्होंने उनके आगे बीजेपी के नेताओं को चुना। जम्मू क्षेत्र की दो लोकसभा सीटों पर भी बीजेपी उम्मीदवारों ने जीत का परचम लहराया। उधमपुर से पार्टी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार जुगल किशोर शर्मा को वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल हुई। बीजेपी के इन दोनों ही उम्मीदवारों ने 2014 के मुकाबले भी बड़ी संख्या में वोटों से विरोधियों को शिकस्त दी। राजनीतिक विश्लेषक जिनका अभी तक कहना था कि जम्मू क्षेत्र में बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है, उन्होंने भी मोदी लहर को प्रचंड माना, जिसने चुनावी तस्वीर को ही पूरी तरह बदल कर रख दिया। अब राजनीतिक विश्लेषक भी कहने लगे हैं, जम्मू कश्मीर में लोगों ने पीएम मोदी के लिए वोट किया, उम्मीदवार के लिए नहीं। ये हाल तब है जब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का राज्य में गठबंधन है और इन सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के दोनों कैंडिडेट्स को अपना समर्थन दिया था। यहां तक कि पीडीपी ने भी इसी इरादे से कि कांग्रेस के कैंडिडेट्स को जीत मिल जाए, इसलिए अपना कोई भी उम्मीदवार उतारा ही नहीं था। लेकिन यहां ना तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन काम आया और ना ही पीडीपी की चाल, और जीत हुई तो मोदी के नाम की, बीजेपी की, जिसने मोदी के नाम पर ही ये पूरा चुनाव लड़ा था। फिर बीजेपी के घोषणा पत्र में जिसमें धारा 370 और 35A को हटाने के वादे ने भी तो बीजेपी के लिए काम किया, जिसने निश्चित तौर पर लोगों को लुभाया। और इस पर उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की प्रतिक्रिया लगता है लोगों को रास नहीं आई। पीडीपी और एनसी ने कह दिया था कि इन धाराओं को हाथ लगाया तो जम्मू कश्मीर भारत का अंग नहीं रहेगा। संभव है कि इसी वजह से लोगों ने बीजेपी उम्मीदवार को अपना मत दे दिया। फिर अभी राज्य में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। अगर इसमें बीजेपी ने धारा 370 और 35A को लेकर अपना रुख और साफ किया तो बीजेपी को इससे फायदा मिलना तय है। बता दें कि सिर्फ जम्मू और उधमपुर सीट पर ही नहीं बल्कि लद्दाख सीट से भी बीजेपी को फायदा हुआ है। लद्दाख की लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार जामयांग शेरिंग नामग्याल को जीत हासिल हुई, वो भी 10,000 वोटों के अंतर से, जो कि 2014 के लोकसभा चुनाव में मात्र 36 वोटों का ही था। राज्य में बीजेपी को 2014 जैसा ही रिजल्ट हासिल हुआ है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले लद्दाख को डिवीजन का दर्जा दिया जाना और एक विश्वविद्यालय को मंजूरी देना भी बीजेपी के फेवर में साबित हुआ। बीजेपी ने प्रचार के दौरान लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का वादा भी किया था। उसने भी बीजेपी के उम्मीदवारों को वोट देने के फैसले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जम्मू कश्मीर के एक्सेशन को लेजिटिमाइज करता है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल शक्ल देता है, वो नलिफाई हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा उस वक्त जिस वक्त आप 35A के साथ कोई फिडलिंग करेंगे। तो इसलिए मेरी यही गुजारिश है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हुआ तो जो उसके नतीजे होंगे, मैंने पहले भी कहा है, मेरी बात बहुत बुरी लगी, मैंने कहा जो जम्मू कश्मीर में इस मुल्क का झंडा उठाते हैं शायद उनके लिए उस झंडे को कांधा देना भी मुश्किल हो जाएगा। हाथ में उठाने की बात तो बहुत दूर है, उसको कांधा देना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं बहुत ही हम्बल सबमिशन इज टू द यू नो पावर्स इन अ कंट्री, जो इसे कुछ बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई एश्योरेंस अभी तक नहीं आ रहा है इस पे, और मैं उनसे ये कहना चाहती हूं कि डोंट प्ले विद फायर, आग के साथ मत खेलिए, आग के साथ मत खेलिए, 35A के साथ फिडल मत कीजिए। अगर आपने ऐसा किया इसके नतायज इतने खतरनाक होंगे जितना आपने 1947 से लेके आज तक कभी जो नहीं देखा है वो देखने को मिलेगा। एक जिम्मेदार बाशिंदा होने के नाते मेरा फर्ज बनता है दिल्ली को मैं बताऊं, यहां आपकी सोच सही नहीं है, आप हम पे छोड़िए, चाहे वो मरकज की हुकूमत हो चाहे वो गवर्नर साहब हो, आपकी आज एक ही जिम्मेदारी है,
आप हालात बनाइए, इलेक्शन कराइए। इलेक्शन कराने के बाद जो यहां के लोगों का फैसला होगा जम्मू कश्मीर लद्दाख का, उन पे छोड़िए कि 35A का क्या करना है। हम आपसे बेहतर जानते हैं कि इस रियासत के हालात किस तरह साजगार और बेहतर रखने हैं। 2014 में हमने किस तरह हालात बेहतर करके मोदी साहब और मुफ्ती साहब के हवाले ये रियासत किया था, वो हम अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए मेहरबानी करके इन चीजों में मत पड़िए, इलेक्शन कराइए, लोगों को वोट का इस्तेमाल करने दीजिए, उसके बाद जो हुकूमत होगी वो 35A को बचाने का काम जो है वो खुद ब खुद करेंगे। यशस्वी, परिश्रमी अध्यक्ष भाई अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ साथी और प्यारे भाई और बहनों, आज स्वयं मेघराजा भी इस विजयोत्सव में शरीक होने के लिए हमारे बीच है। ২০১৯ लोकसभा का जनादेश हम सब देशवासियों के पास नए भारत के लिए जनादेश लेने के लिए गए थे। आज हम देख रहे हैं देश की कोटि कोटि नागरिकों ने इस फकीर की झोली को भर दिया। मैं भारत के 130 करोड़ नागरिकों का सर झुका करके नमन करता हूं। लोकतांत्रिक विश्व में 2019 का ये जो मतदान का सिर्फ आंकड़ा है, ये अपने आप में लोकतांत्रिक विश्व के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। पूरे विश्व की यह सबसे बड़ी घटना है। देश आजाद हुआ, इतने लोकसभा के चुनाव हुए, लेकिन आजादी के बाद इतने चुनाव होने के बाद सबसे अधिक मतदान इस चुनाव में हुआ है, और वो भी 40-42 डिग्री गर्मी के बीच में। ये अपने आप में भारत के मतदाताओं की जागरूकता, लोकतंत्र के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पूरे विश्व को इस बात को रजिस्टर करना होगा
पूरे विश्व को, भारत की लोकतांत्रिक शक्ति को पहचानना होगा। इस अवसर पर मैं इस लोकतंत्र के उत्सव में